नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में आपको। दोस्तों आज का जो टॉपिक है द एग्जेट और रिंग टैंक प्रिंटर में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है बताऊंगा आपको, और कौन सा खरीदने से फ़ायदेमंद है और कौन सा नुकसान है बताऊंगा आपको। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे नए नए जानकारी आप तक पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों बताता हूँ आपको इन दोनों प्रिंटर में क्या अंतर है, कौन सा सही है। तो पहले चलते हैं डेक्सटर में। आप देख सकते हैं HP का डेक्सटर प्रिंटर है मेरे पास, 2131 मॉडल। और ये जो प्रिंटर है दोस्तों मार्केट में मिल जाएगा आपको 4,500-5,000 के अंदर। और इसका जो कैटरीज लगता है 803 नंबर का कैटरीज लगता है। और दोस्तों इसमें प्रिंट, स्कैन, कॉपी तीनों का ऑप्शन दिया हुआ है। और दोस्तों इसका प्रिंटिंग कॉस्ट की बात करें तो आपको जो है 803 नंबर कैटरीज में 100 पेजेस जाता है। ये जो कैटरीज आता है इस टाइप का आता है, मार्केट में मिल जाएगा, 1,000 रुपये लेता है कैटरीज, लेकिन 100 पेजेस जाएगा उसमें। तो कैलकुलेट कीजिए, 1,000 रुपये में 100 पेज जाएगा, 100 पेजेस प्रिंट होगा तो कितना रुपया पड़ा आपको पर पेज प्रिंटिंग कॉस्ट। बहुत ज़्यादा आता है दोस्तों, 10 रुपये के आसपास आ जाता है किसी भी डेस्कटॉप प्रिंटर मान के चलिए, 700 से लेके 1,000 रुपये के अंदर आता है प्रिंट कैटरीज। तो आप खुद कैलकुलेट कीजिए कि अगर 600 से 1,000 रुपये में कैटरीज खरीदेंगे 100 पेजेस जाएगा तो क्या फ़ायदा प्रिंटर लेके। सारा प्रिंटर डेस्कटॉप का जो होता है ऐसा ही होता है, अगर कैटरीज ख़राब हो गया तो नया डालना पड़ता है, रिफिल भी नहीं होता। कोई भी ब्रांड हो डेस्कटॉप प्रिंटर जितना भी आता है 5,000-6,000-7,000 के अंदर आ जाता है डेस्कटॉप प्रिंटर। और उसमें जो कॉस्टिंग होता है दोस्तों ऐसा ही होता है, 5 से लेके 10 रुपया पर पेज प्रिंटिंग का आ जाता है। और दोस्तों अब जो बात करें इंक टैंक के बारे में बताऊंगा आपको उसमें क्या कॉस्टिंग आता है, क्या प्राइस आता है प्रिंटर का। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके। तो दोस्तों जो डेस्कटॉप प्रिंटर होता है सारा डेस्कटॉप किसी भी कंपनी का हो 5 से लेके 10 रुपया तक खर्चा आ जाता है पर पेज प्रिंटिंग। तो चलिए देखते हैं इंक टैंक में क्या है। तो HP का इंक टैंक 319 प्रिंटर है दोस्तों, और ये आपको मार्केट में मिल जाएगा 10,000 में। इसमें जो है 4 इंक बॉटल लगता है, इसमें कैटरीज नहीं लगता जैसे डेस्कटॉप में लगता था कैटरीज, इसमें कैटरीज नहीं लगता। इसमें इंक बॉटल आता है और इजी रिफिल है दोस्तों। साइड में टैंक देख रहे हैं आप, यहाँ से आप खुद इजीली रिफिल कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो पेजेस है दोस्तों आपको कलर्स में जाएगा 8,000 पेज, जब ब्लैक एंड वाइट में जाएगा 7,500 पेज। और इसका जो इंक बोटल का प्राइस बात करें दोस्तों 450 के अंदर आ जाता है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए ब्लैक ख़त्म हो गया, ब्लैक का 500 रुपये में ख़रीद के लाए 7,500 पेज से कितना सस्ता पड़ेगा आप सोचिए डेस्कटॉप के हिसाब से। और कलर्स भी ऐसा दोस्तों वही 450 में कलर्स भी आ जाता है, तीनों कलर मिला के 8,000 पेज जाता है दोस्तों कलर्स में। तो दोस्तों ये जो इंक टैंक होता है प्राइस प्रिंटर का थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन प्रिंटिंग का समय बहुत सस्ता मिल जाता है, 10 पैसा के अंदर मिल जाता है सारा इंक टैंक प्रिंटर में, चाहे HP हो, इप्सन हो, कैनन हो, किसी भी ब्रांड हो, आपको प्रिंटिंग कॉस्ट पर पेज मिल जाएगा 10 पैसा के अंदर। और आप खुद भी इजीली रिफिल कर सकते हैं, ये बड़ी चीज़ है। और ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है सारा इंक बॉटल। और दोस्तों डेस्कटॉप से बेटर इंक टैंक है, अब मैं सजेशन करूँगा आपको इंक टैंक लिए कभी डेस्कटॉप प्रिंटर ना ले ताकि आपकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट हो खर्चा ज़्यादा पड़े। तो ये था दोस्तों डेस्कटॉप और इंक टैंक में फ़र्क। डेस्कटॉप में जो है प्रिंटिंग कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आता है और इंक टैंक में जो है बहुत सस्ता मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।